अब बताइए ना, ये सारे काम तो मीठी भी कर सकती थी ना। गोपी के कमरे की सफाई, लेकिन नहीं, वो बा के पाँव में मालिश कर रही है। और अहम जीजू, अहम जीजू को तो गोपी की इतनी फिक्र होने लगी है कि वो डॉक्टर के साथ फोन पे लगे। तो निठल्ली कौन? मैं हूँ ना, मैं करूंगी। ये बता, जिगा जी कहाँ है? मम्मी जी ने कहा कि जिगा जी कोई फैक्ट्री देखने गए। कहने का मतलब ये कि सब बहुत बिजी है। और बेवकूफ कौन है? मैं, जो स्विट्जरलैंड की वो ड्रेस पहन के। मम्मी देखो, मैं तो अब शायद कोई आ रहा है, मैं आपसे बाद में बात। सब काम हो गया राशि जी? जी डॉक्टर साहब, मैं बता दूं। थैंक यू। वो डॉक्टर साहब ने कहा है कि वो प्रेगनेंसी में ये सारी चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, है ना? ठीक है, ये लो बेटा काढ़ा। राशि, सोने से पहले गोपी बहू के लिए ये जग में पानी भर देना, याद से। काढ़ा पी लेना और फिर आराम कर। जी काकी। जय श्री कृष्ण गोपी बहू। जय श्री कृष्ण माजी। अहम दिख रहा? जी मां। तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। कहूं? जी। देखो अहम दिख रहा, गोपी वह अब बच्चे को जन्म देने वाली है, और जब स्त्री बच्चे को जन्म देने वाली होती है ना, तो उसका स्वभाव भी बच्चे जैसा हो जाता है। उसके स्वभाव में बार बार प्रतिक्षण बदलाव आएगा। कभी क्या पसंद है, कभी क्या नहीं पसंद है, क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें गोपी वहू के साथ बहुत धैर्य से रहना होगा। और अब जबकि गोपी वहू माँ बनने वाली है, और ऐसी परिस्थिति में उसे तुम्हारी, अपने पति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी। इसलिए तुमसे कह रही हूँ, मेरी गोपी वहू का अच्छे से ख्याल रखना। जय श्री कृष्ण। सूरज काका जा गए, चिड़िया भी करती है शोर। अच्छा हुआ कोकी तू आ गई, मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। पर आज फुर्सत तुझे इतनी लेट से कैसे मिली? गोपी बहू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं और मोटा भाभी गोपी बहू के कमरे में ही थे। कोकी, अक्सर इन दिनों में ऐसा होता ही रहता है, खासकर जब पहली बार हो तब। कोकी, तुझे याद है जब अहम होने वाला था, तेरी तबीयत कितनी खराब रहती थी, खाने पीने का होश नहीं रहता था, वो तेरे पाँव में कितना दर्द रहता था। अरे तेरे लाख नाना के बावजूद मैं अब, खैर छोड़ वो सब छोड़। अरे कोकी तू यहां बैठना, मैंने कुछ लिखा है तुझे सुनाता हूं। अरे जरा सुन तो मैंने क्या लिखा है। लिखा है? अरे हाँ हाँ कोकी, अपने होने वाले पोत्र के लिए मैंने एक कविता लिखी है, जब वो इस घर में आएगा ना तो उसे सुनाऊंगा। सूरज काका जा गए, चिड़िया भी। अहम के पापा, आपने अपनी पूरी जिंदगी सपने देखते हुए बिता दी, अब मैं आपसे ये कहूंगी कि अपने पोत्र को तोहफे में सपनों के बजाय
कोई ऐसी चीज दीजिए जो हकीकत हो, ना कि सपना, और जो उसके काम में आ सके। गोपी, तुम ठीक तो? जी अहम जी, सॉरी, वो कल आप कुछ कह रहे थे तभी। नहीं नहीं ठीक, मैं ना आने जाऊं। जी सफाई कर करके मेरे तो नाखून ही शहीद हो गए, सारी मेहनत बेकार। राशि, मैं गोपी बहू के कमरे में जा रही हूं उसे दूध देने, तुम भी चलो मेरे साथ। अब गोपी को क्या? हाँ राशि, गोपी बहू के पैर के नाखून भी तुम काट देना। समझी गई? नहीं माँ जी, मैं गोपी बहू, ऐसी अवस्था में तुम खुद झुककर अपने पैर के नाखून कैसे काट सकोगी? इसलिए मैंने राशि से कहा, राशि इतना कर लोगी ना? हेलो मम्मी, अगर आपने मुझे ये पूछने के लिए फोन किया है कि मैं क्या कर रही हूँ तो प्लीज मत पूछिए। हे गॉड, हरी दिक्री ने रक्षा करो। राशि बेन, सॉरी राशि बेन।